हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेसिंग ए फंक्शन कि किसी भी सी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन को कैसे एक्सेस किया जाता है या कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सेसिंग ए फंक्शन। एक्सेसिंग ए फंक्शन तो देखिए इसमें क्या होता है, फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड, और एक्सेस मतलब कॉल्ड। किसी फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं या एक्सेस करते हैं, एक्सेसिंग एक्सेस मतलब कॉल करना, फंक्शन को कैसे हम कॉल करते हैं। तो ए फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम फॉलोड बाय ए लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन का नाम है मान लीजिए F1, तो हमने F1 लिखा और उसको अगर हम आर्गुमेंट किस वैल्यू या किन वैल्यूज के लिए उसको कॉल करना है, तो मान लीजिए हमने कहा कि A और B के लिए, तो हम इसमें लिख देंगे सिंपली कि F1 और किसके लिए कॉल करिए, A और B के लिए। तो इस तरह हम लिख देंगे, तो ये F1 फंक्शन कॉल होगा किसके लिए, A और B के लिए। ए और बी के लिए मतलब ये ए और बी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, F1 फंक्शन में, और वहाँ जो भी कैलकुलेशन वगैरह होनी है ए और बी के साथ वो होगी। ठीक, अब इसमें और सेपरेटेड बाई कॉमास, तो ये आप देख रहे हैं ए कॉमा बी, इस तरह आप देंगे। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन कॉल डज नॉट रिक्वायर एनी आर्गूमेंट्स एन एम्प्टी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मस्ट फॉलो द नेम ऑफ द फंक्शन। मतलब कि मान लीजिए ये तो हमने आर्गूमेंट पास किए हैं, कोई फंक्शन ऐसा है जिसको कोई वैल्यू भेजने की जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू उसको भेजने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली ऐसे हम कॉल करेंगे F1 और ये इस तरह को, यहाँ ये दिस इज एम्प्टी पैरेंथेसिस, तो इस तरह से भी हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। द फंक्शन कॉल मे बी ए पार्ट ऑफ ए सिंपल एक्सप्रेशन सच एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट और इट मे बी वन ऑफ द ऑपरेंड्स विद इन ए मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो फंक्शन कॉल जो है उसमें हम एक सिंपल एक्सप्रेशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं, और अगर मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो एक आर्गुमेंट के लिए भी। द आर्गुमेंट अपीयरिंग इन द फंक्शन कॉल आर रिफर्ड टू एज एक्चुअल आर्गुमेंट। तो जैसे कि हमने F1 A कॉमा B लिखा है, हमने फंक्शन को कॉल किया किसके लिए, A कॉमा B के लिए, तो ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाते हैं, ये एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ठीक, इन कॉन्ट्रास्ट टू द फॉर्मल आर्गूमेंट दैट अपियर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। तो ये एक्चुअल आर्गूमेंट होते हैं, और जब हम फंक्शन जहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है F1, और यहाँ हमने लिखा है ऐसे, सपोज कीजिए F1 में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, और फिर यहाँ हमने फंक्शन की बॉडी लिखी है जो भी कैलकुलेशन करनी है, तो ये कहलाते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स, दे आर कॉल्ड फॉर्मल आर्गूमेंट्स, और ये कहलाते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स। ठीक, या दिस एक्चुअल आर्गूमेंट्स आर नॉर्मली कॉल्ड ओनली आर्गूमेंट्स, आप केवल आर्गूमेंट्स भी इनको कह सकते हैं। तो इन ए नॉर्मल फंक्शन कॉल देयर विल बी वन एक्चुअल आर्गूमेंट फॉर ईच फॉर्मल आर्गूमेंट, द एक्चुअल आर्गूमेंट मे बी एक्सप्रेस एज कॉन्स्टेंट सिंगल वेरिएबल और मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, हाउएवर ईच एक्चुअल आर्गूमेंट मस्ट बी ऑफ द सेम डाटा टाइप एज इट्स करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गूमेंट। तो जब आप F1 को कॉल कर रहे हैं से A और B के लिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसका मतलब कि ये A और B ये भी इंटीजर टाइप होने चाहिए। अगर इनका डाटा टाइप डिफरेंट है और यहाँ पे फॉर्मल का डाटा टाइप डिफरेंट है, तो फिर वो सिंटेक्स एरर दिखा देगा। ठीक है, तो एक्चुअल आर्गुमेंट का भी डाटा टाइप वही होना चाहिए जो फॉर्मल आर्गुमेंट का होता है। ठीक, क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि इफ द फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू द फंक्शन एक्सेस इज ऑफन रिटेन एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मान लीजिए यही फंक्शन है, ये F1 की हम बात कर रहे हैं, ये F1 क्या कर रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया इंटीजर जेड और यहाँ हमें लिख दिया जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जेड क्या कर रहा है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब
कि मल्टीप्लाई करके करेगा क्या अपने पास रख के, तो अगर ये वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न जेड ऐसे लिखा उसने, तो इसका मतलब कि जेड की वैल्यू रिटर्न होगी फंक्शन से निकल के, तो फंक्शन से रिटर्न होगी तो इसका मतलब फंक्शन जहां कॉल किया गया था वहां पे जाएगी वैल्यू। तो यानी अगर इस तरह का रिटर्न वाला सिस्टम रहेगा या फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो फंक्शन को जो हम कॉल करते हैं वो भी हम इस तरह कॉल करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ कोई वेरिएबल लिख लिया सी, और सी को हमने लिख दिया एफ वन, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया ए कॉमा बी इस तरह। तो जब इस एफ वन फंक्शन को आप इस तरह कॉल करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी जेड वो यहाँ से रिटर्न होके सी में आ जाएगी, और इसको फिर हम प्रिंट एफ करा सकते हैं या आगे जो भी यूज करना है वो कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान देने वाली, जितनी भी चीजें आपको बता रहा है इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर अभी एग्जांपल के साथ भी आपको समझाएंगे। ये तो हो गया जब रिटर्न करेगी वैल्यू, और अगर रिटर्न नहीं करता है, अब मान लीजिए उसी एफ वन फंक्शन में हमारा एफ वन फंक्शन केवल इतना है, हमने कहा एफ वन और यहां हमने केवल दे दिया, ठीक है, इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग द फंक्शन एक्सेस अपीयर्स बाय इटसेल्फ। तो मान लीजिए फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है वहीं पे, जैसे हमने अभी किया था, हमने क्या लिखा था कि फंक्शन, यहाँ हमने लिखा इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, यहाँ हमने डिक्लेयर किया था इंटीजर जेड, और यहाँ हमने लिख दिया था जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और मान लीजिए इस जेड को हमने रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम यहीं पे इसकी वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट एफ द मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज और इक्वल टू परसेंटेज डी लगा दिया हमने, और यहीं पे जेड को प्रिंट करा दिया ऐसे। तो अब रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए जब आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वहां पे जैसे हमने अभी को बताया था कि आप इस तरह कॉल कीजिए सी इक्वल टू एफ वन ए कॉमा बी ना, तो अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है, आप केवल आप एफ वन ए कॉमा बी कॉल करेंगे और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये काम करके अपना बंद हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा कि इसकी ये जो वैल्यूज हम ए और बी आप पास कर रहे हैं यहाँ एक्स और वाई में, ये इंटरनली ही प्रोसेस हो जाएगा और जो भी उसका होना है वो इंटरनली हो जाएगा, तो इसको आपको रिटर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर, तो ये हो गया आपका फंक्शन की एग्जांपल। अब इसके बाद क्या करते हैं कि मान लीजिए एक और हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है, वी टेक एन एग्जांपल। इसमें क्या है कि राइट ए सी प्रोग्राम इसमें हमें क्या करना है, लार्जेस्ट ऑफ थ्री इंटीजर क्वांटिटीज, मतलब हमें इस एक प्रोग्राम को बनाना है कि दिस प्रोग्राम मेक्स यूज ऑफ ए फंक्शन दैट डिटरमाइन द लार्जर ऑफ टू इंटीजर क्वांटिटीज, द फंक्शन इज यूजिंग प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। तो एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द largest of three integers और using function, function use करके हमको ये program बनाना है जो तीन नंबरों में largest number जो है हमको बता दे। तो अब इसमें हम जब program बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, मान लीजिए पहले हमने ये comment line लिख दिया समझने के लिए कि determine the largest of the three integer, determine the largest of three integers, ठीक, ये तो comment line हो गई, ये आपको पता है, शुरुआत में हमने आपको बता दिया था। अब इसके बाद क्या किया हमने, ये हमने header file include कर ली, include और stdio.h, ये header file include कर ली है। अब उसके बाद क्या किया हमने कि पहले हम फंक्शन ही डिफाइन कर दे रहे हैं, तो हमने एक फंक्शन बना लिया इंटीजर, किस नाम से, फंक्शन का नाम हमने रख दिया मैक्सिमम ऐसे।
अब ये मैक्सिमम क्या करेगा, इसके दो आर्गुमेंट हो गए, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ठीक, अब ये करेगा क्या, इसके अंदर हमने लिया एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जेड। अब यहाँ हमने कंडीशन लगा दी कि जेड इक्वल टू, आप क्या कीजिए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई चेक कीजिए। ये हमने यूज किया कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब अगर एक्स ये ट्रू होगा तो यानी बड़ा एक्स है तो एक्स में बड़ा डाल दीजिए, फॉल्स होगा तो वाई आ जाएगा जेड में, और जेड हम रिटर्न कर देंगे। तो दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो जेड में आ जाएगी और वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये फंक्शन ये काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं मेन से, जैसे हम लोग करते आए हैं। ठीक, अब मेन में हमने क्या किया, वेरिएबल लिया इंटीजर ए बी सी डी। ठीक, अब हमने क्या किया कि चार पहले ए और बी और सी की वैल्यू एंटर कराएंगे, ए और बी और सी की हम वैल्यू एंटर कराते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने लिख दिया प्रिंट एफ, चाहे तो आप अलग अलग स्टेटमेंट यूज कीजिए, हम एक साथ ही लिख दे रहे हैं प्रिंट एफ स्लैश एन यूज किया ताकि नेक्स्ट लाइन में लिखा है, और एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये हमने लिखा और स्कैन एफ करा दिया एम्परसेंट ए, ये ए में वैल्यू एंटर हो गई। ऐसे ही बी में और सी में भी एंटर करा देते हैं। तो फिर हमने सेम लाइन लिखा यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, हमने लिखा प्रिंट एफ, फिर स्लैश एन यूज किया नई लाइन के लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, फिर इसको हमने स्कैन एफ करा दिया परसेंटेज डी कोर्स क्लोज एम परसेंट बी, ये बी में वैल्यू आ गई। फिर हमने तीसरी वैल्यू एंटर की प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ सी, और फिर स्कैन एफ करा दिया स्कैन एफ परसेंटेज डी कोर्स क्लोज एम परसेंट सी। अब ए बी सी में तीनों में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ए मान लीजिए ए और बी और सी तीनों में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहले ए और बी में कौन सा बड़ा है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने d इज इक्वल टू लिख दिया मैक्सिमम, और मैक्सिमम फंक्शन क्या है पीछे हम डिफाइन कर चुके हैं। मैक्सिमम फंक्शन हमने कॉल किया किसके लिए, a और b के लिए। तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, इससे रिजल्ट आ जाएगा कि इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, भाई a और b की वैल्यू जाएगी फंक्शन में, वहां पे जो भी बड़ा होगा वो d में आ जाएगा। ठीक, अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे लेके चलिए तो आपको समझ में आएगा। ए में मान लीजिए ऐसे 7 है, बी में 10 है, सी में 4 है। ठीक, इन दोनों में जब कंपेयर करेगा तो 10 आएगा, तो डी में 10 आ गया। अब इस डी को किससे कंपेयर करना, 10 और क्या रह गया 4 को। तो फिर से हम चाहे तो मैक्सिमम कॉल कर लें, या हम या तो आप देखिए अलग वेरिएबल ले लीजिए, ई ले लीजिए, एफ ले लीजिए, उससे अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं कि अब नए डी को आप कॉल, डी को आप दोबारा कॉल कीजिए मैक्सिमम को, किसके लिए, जो डी में वैल्यू आ चुकी है मतलब ये 10 आ चुका है, डी के लिए और सी के लिए, ऐसे कर लीजिए। तो अब क्या होगा कि 10 और 4 को कंपेयर करेंगे और फिर उसमें रिजल्ट क्या आएगा, ये डी 10 आएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो यहां हम लिख देंगे प्रिंट एफ मैक्सिमम वैल्यू इज, वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी कोट्स क्लोज कॉमा डी। तो यहाँ पे हमने दोबारा यूज करके एक वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है बचा लिया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट अगर होगा तो बताइएगा कमेंट लाइन में, तो उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से एग्जाम्पल लेके आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज ये जो वैल्यू डी में, जैसे डी में 10 आया था 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
और यहाँ पे हम ये मेन की बॉडी बंद कर देंगे। ठीक, तो ये होता है कि जब यहाँ पे आप ए और पहला फंक्शन कॉल करेंगे ए और बी के लिए, तो अब देखिए हम उधर आ रहे हैं फंक्शन पे, तो ये 7 और 10, ये 7 और 10 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो ए यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लेते हैं ए में कितना डाला है 7, बी में 10 और सी में 4, है ना। तो जब आप 7 और 10 के लिए कॉल करेंगे तो ये 7 और 10 कहाँ पे आ जाएंगे, ये ट्रांसफर होके आ जाएंगे इसमें, यहाँ पे 7 और 10। फिर यहाँ पे चेक करेगा 7 is greater than 10, अगर ट्रू है तो इसमें एक्स जाएगा, तो 7 is greater, और फॉल्स है तो वाई जाएगा, तो 7 is greater than 10 फॉल्स है ना, तो वाई की वैल्यू जेड में चली जाएगी, मतलब 10 चला जाएगा जेड में। ठीक, और रिटर्न हो जाएगा, तो जब रिटर्न हो जाएगा तो कॉल कहाँ से किया गया था पहले में, डी में, तो डी में 10 चला जाएगा। फिर जब दोबारा आप कॉल करोगे डी और सी के लिए, तो 10 और 4 के लिए यही काम होगा, तो फिर 10 और 4 यहाँ पे आएगा, फिर ये कंपेयर करेगा 10 is greater than 4, बोलेगा यस, तो 10 आ जाएगा इसमें, तो रिटर्न 10 हो जाएगा और 10 आपकी लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और इस तरह से किसी फंक्शन को यूज करके आप लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर में से लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फंक्शन का जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक चीज को, एक एक स्टेप को बहुत माइन्यूटली समझिएगा, तो फिर आगे जब आप फुल फ्लैश प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।